थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इसमें क्या कहा है मेंडल ने, इट इज़ द क्रॉस ऑफ बिटवीन टू पी प्लांट्स विच हैव अ टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. इन्होंने क्या करा है यहाँ पर, टू पेयर्स लिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के, ठीक है. एक था हमारा राउंड और रिंकल्ड और दूसरा था येलो और ग्रीन, ठीक है. अंडरस्टैंड, एक था राउंड रिंकल्ड, दूसरा था येलो एंड ग्रीन, ठीक है. ऐसे इन्होंने टू पेयर्स लिए, ठीक है. मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर उन्होंने शेप से शेप का लिया है और यहाँ पर उन्होंने कलर लिया है कि वो येलो है या ग्रीन है. तो सबसे हमने लिया राउंड, ठीक है, जिसको हमने रिप्रेजेंट करा है कैपिटल आर, कैपिटल आर से. रिंकल्ड को हमने रिप्रेजेंट करा है स्मॉल आर, स्मॉल आर से. ग्रीन को करा है स्मॉल वाई, स्मॉल वाई. और येलो को कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है. यहाँ पर आपको इतना समझ में आ रहा होगा डोमिनेंट कौन है, येलो डोमिनेंट है और राउंड डोमिनेंट है. अब हमको ये देखना है कि किस तरीके से इन्होंने इनको क्रॉस करवाया है. फर्स्ट केस में क्या था लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कि हमने वन पेयर लिया था कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का, इसीलिए उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. और यहाँ पर मेंडल ने कितने पेयर लिए हैं, टू पेयर लिए हैं, ठीक है. और इसीलिए इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस भी बोला जाता है. चलिए, अब वो दो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, ठीक है. राउंड ग्रीन को हमने किसके साथ में क्रॉस करवाया, रिंकल्ड येलो को, ठीक है. राउंड को हमने रिप्रेजेंट करा था कैपिटल आर, कैपिटल आर से. ग्रीन को हमने रिप्रेजेंट करा था स्मॉल वाई, स्मॉल वाई से, ठीक है. रिंकल को हमने किससे रिप्रेजेंट करा था, स्मॉल आर से, ठीक है. और येलो को हमने किससे रिप्रेजेंट करा, कैपिटल वाई से. तो ये हो गया हमारा पी वन जनरेशन, ठीक है. मतलब ये कौन सी जनरेशन हो गई हमारी, पेरेंट जनरेशन. अंडरस्टैंड, तो ये आपके जीन्स है, ठीक है. ये आपकी कौन सी जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन है. अब इसमें से हमको क्या करना है, एफ वन जनरेशन को सेपरेट करना है. अब हमने इसमें से क्या लिया, एक हमने ले लिया कैपिटल आर, ठीक है. और एक हमने ले लिया स्मॉल वाई, ठीक है. यहाँ पर भी हमने क्या लिया, एक स्मॉल आर ले लिया और एक कैपिटल वाई ले लिया. तो ये हमारा क्या हो गया, एफ वन जनरेशन हो गई. अब क्या करेंगे हम, इनको सेल्फिंग कराएंगे. अब क्या करेंगे, सेल्फिंग कराएंगे. तो कैसे होगी सेल्फिंग, सेल्फिंग कराया तो हमने इसको लिया, ठीक है. और ये वाले कह रहे जीन्स को लिया, ठीक है. अब ये जो है कैपिटल आर, वो आपको समझ में आएंगे कि वो राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई, स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन को. ये आपको याद रखना है कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. हम अलग अलग से नहीं, हम यहाँ पे रिंकल्ड में कैपिटल आर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है. और यहाँ पर जो रिंकल्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल आर को. येलो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल वाई को. सॉरी, दिस इज़ द कैपिटल वाई. तो इसमें से अगर हम कैरेक्टर्स लेंगे तो ये आपका इस तरीके से बन के आ जाएगा, ठीक है. आर आर, ठीक है. इसका इसके साथ क्रॉस करवाया, देन फिर इसका इसके साथ में क्रॉस करवाया, ठीक है. तो ये हमारी क्या हो गया, एफ वन जनरेशन हो गई. अब इसमें से भी हम सेपरेट कर देंगे, सेल्फिंग कराएंगे तो हम उनके एलेलीज को निकाल लेंगे. एलेलीज इनके क्या क्या आएंगे, आर वाई, ठीक है. देखो ये कैसे होगा, सबसे पहले हमने इसके साथ में इसको लिया तो क्या बन गया हमारा, कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया फर्स्ट. फिर हमने क्या करा, कैपिटल आर को लिया स्मॉल वाई के साथ में तो क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया सेकंड, ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, स्मॉल आर को लेंगे कैपिटल वाई के साथ, थर्ड बन गया हमारा. फिर हम लेंगे स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ में, तो ये हमारा फोर बन गया, ठीक है. इस तरीके से हमको क्या करना है, एलेलीज को सेल्फिंग करवानी है, या सेल्फिंग करके हमको एलेलीज को निकालना है. सेल्फिंग कराई तो हमको ये मिले आर वाई, ठीक है. यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई. चलिए सेल्फिंग देख लेते हैं. अब हम हमको क्या मिला था, आर कैपिटल वाई, ठीक है. आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है. अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इन्हीं को यहीं पे लिख लेते हैं वापस, सॉरी. सबसे पहले अगर हम इसकी इसके साथ में कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई. इसकी इसके साथ में करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई.
ठीक है, देन इसकी इसमें करवाएंगे तो कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल वाई, फिर नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम कराएंगे, अब इसकी इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम इसकी इसके साथ में करवाएंगे कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसकी इसके साथ करवाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर देन इसकी इसके साथ में कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, सेम सिमिलर इसी तरीके से कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इस केस में आपके पास आएगा स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर इसके साथ करेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी इसके साथ में करवाएंगे तो क्या होगा कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल वाई, ठीक है, देन इसके साथ में स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर देन स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो इस तरीके से आपकी क्या होगी क्रॉसिंग होगी। अब देखो ये हो गया आपका राउंड येलो, सॉरी ये भी आपका हो गया राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, और ये भी क्या हो गया राउंड येलो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके जो ये जितने भी जीन है इनका जो एलीली है वो क्या है डोमिनेंट है, ठीक है, ये भी हो गया आपका क्या राउंड येलो, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा राउंड ग्रीन, क्योंकि जो आपका स्मॉल वाई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपका क्या होगा राउंड येलो, और यहाँ पे भी राउंड और ग्रीन, यहाँ पे भी आपका आएगा राउंड येलो, यहाँ पे आपका आएगा राउंड, ठीक है, येलो, फिर यहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर क्या है रेसेसिव है, तो आर स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था रिंकल्ड को, तो यहाँ पर क्या हो गया रिंकल्ड येलो, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा रिंकल्ड येलो, ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया राउंड येलो, और यहाँ पर राउंड ग्रीन, ठीक है, यहाँ पर रिंकल्ड येलो, और यहाँ पर दोनों ही आपके कैरेक्टर क्या हैं रेसेसिव हैं, तो ये भी क्या होगा आपका रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। अब वही इसमें हमको ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि P1 जनरेशन आपकी क्या थी, F1 जनरेशन आपकी क्या है, और आपको कौन कौन से एलीली मिले। चलिए सबसे पहले हम इसका फिनोटाइपिक रेशो देखते हैं। अब हमारे पास में रिंकल्ड येलो सॉरी राउंड येलो कितने हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने हैं हमारे पास में 9 हैं। अब राउंड ग्रीन कितने हैं 1, 2, 3 ठीक है 3 हमारे पास क्या हो गए राउंड ग्रीन हो गए। अब रिंकल्ड येलो कितने हैं 1, 2, 3 ठीक है कितने हैं ये भी 3 हैं और रिंकल्ड ग्रीन कितना है हमारे पास में 1 है। तो अब हमारा फिनोटाइपिक रेशो क्या है 9:3:3:1। आप जब तक इस क्रॉस को करके नहीं देखोगे आपको ये समझ में नहीं आएगा, घर पे इसकी प्रैक्टिस करना तभी ये रेशो निकल पाएंगे और आपको ये क्रॉस करवाना आ पाएगा। और ये आपको मेनली मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन आता है। मोनो हाइब्रिड मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला, यहाँ पर हमने 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स लिए हैं तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन आता है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आपके लॉज खत्म होते हैं, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, हमने तीनों लॉ कंप्लीट कर लिए हैं।